गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कल हमने अध्याय 12 के शब्दार्थ लिखे थे, आज हम उसको पढ़ेंगे। पाठ 12, रंग बिरंगी तितलियाँ। सवेरा हो गया था, अंधेरा कम होता जा रहा था, पक्षी चहचाने लगे थे। सविता अभी सो रही थी, वह सपनों में एक रंग बिरंगी तितली को पकड़ने के लिए दौड़ रही थी। तभी घर में टंगे हुए पिंजड़े से हीरामन तोता चिल्लाया, सविता दीदी उठो, सवेरा हो गया है। सविता की आँख खुल गई, किंतु उसे तितली न पकड़ने का दुख हो रहा था। वह उठकर बैठ गई और उसने हाथ जोड़कर परमात्मा से प्रार्थना की। इतने में उसका छोटा भाई रवि उसके पास आकर बोला, दीदी चलो सैर करने का समय हो गया है। सविता रवि के साथ उठकर चलने ही वाली थी कि माँ की आवाज़ सुनाई पड़ी, अरे पहले शोर से निवृत्त होकर दांत साफ करो तब जाना। दोनों ने एक दूसरे को देखा और माँ के कहे अनुसार निवृत्त होने चले गए। झटपट निपट कर दोनों ने माता पिता को प्रणाम किया और दोनों उछलते कूदते सैर करने को निकल पड़े। रास्ते में उन्हें पालतू पशुओं का झुंड मिला, जिनमें गाय, बकरियां और भेड़ थी। एक ग्वाला उनको जंगल में चरने के लिए ले जा रहा था। आसमान में तरह तरह की चिड़ियां उड़ रही थी। सामने तालाब में कमल खिल रहे थे, एक किनारे बगुले बैठे थे। रास्ते के दोनों ओर अनेक पेड़ थे, जिन पर कौवे तथा तोते शोर मचा रहे थे। रवि बोला, दीदी यह संसार कितना सुंदर है। इसके आगे का पैराग्राफ मैं आपको कल सेंड करूँगी और क्वेश्चन आंसर कल सेंड करूँगी।